इसको और बढ़ाने के लिए हमें ये सोचना है कि हम कहीं पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखें, 8 बिलियन है, हमारी कंट्री की भी यू नो 1.4 बिलियन है, पर क्या हर कोई मनी को यूज कर पा रहा है? तो मतलब ऑफ कोर्स क्या है, इफ वी लीव आउट द मेट्रो सिटीज एंड द टॉप टियर सिटीज, किसी भी फैमिली के लिए बस दो तीन चीजें मेन होती हैं कि आपको अपनी बेसिक जो खर्चे चाहिए, खाना पीना जो बोलते हैं वो करना होता है, उसके बाद आप थोड़ा पैसा कुछ रोक के करना चाहेंगे कि कोई हेल्थ इमरजेंसी कहीं आ जाए तो उसके लिए थोड़ा सा पैसा आप रखें, कुछ आप यू नो आपकी बेटी की एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए वो पैसा रखना चाहेंगे, और फिर आपकी कुछ हॉबी होंगी जो कि हो सकता आप ट्रैवल करना चाहते हैं या कुछ गैजेट खरीदना चाहते हैं तो आप वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और सब लोग बड़ा अमाउंट नहीं कर सकते, छोटा सा अमाउंट उन्हें होता है कि क्या मैं डेली 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ किसी एक चीज में जिसमें मेरा पैसा बढ़े। तो ये जो ओवरऑल प्लानिंग है वो अभी भी बहुत ही कम लोग करते हैं, मतलब बस जो मैं बोलूंगा वो तकिए के नीचे ही पैसा रख लिया जाता है या कुछ और चीजें खरीद लेते हैं, सोचते हैं कि पैसा बढ़ जाएगा। पर ये और बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जिन्हें पैसा चाहिए, जॉब का पैसा बढ़ा सकते हैं, पर उनके पास उतने सारे पेपर नहीं है आपको बताने के लिए कि हाँ मेरा दुकान का इतना होता है। तो बैंक्स जो हैं और फिनटेक जो है, इन लोगों को मिला पाए, मतलब जो लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं छोटा अमाउंट 50-100 रुपए डेली का, और दूसरा एक सब्जी वाला फूल वाला उसे चाहिए 100-500 रुपए, वो मिलाकर वो अपना बिजनेस बढ़ा पाएगा और ये दोनों के लिए बढ़ पाया जाएगा। पर ये मैन्युअली हम करेंगे तो बहुत मुश्किल है, बहुत इसमें खर्चा आएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है करना। टेक्नोलॉजी से ये काम हो सकता है, बैंक्स और फिनटेक को मेरे हिसाब से उसमें काफी करना चाहिए।